विक्रम और शनि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत ही बलशाली हैं। न्यायप्रिय राजा थे। इतने बलशाली वीर ज्ञानी भक्त थे कि कोई भी राजा उनके सामने टिक नहीं पाता था। मनुष्य तो क्या, देवता, ग्रह, सूर्य और तारे, पशु पक्षी और बेताल उनसे न्याय करवाने आते थे। यदि कोई समस्या हो तो सब विक्रमादित्य के पास जाकर अपनी समस्या को बतलाते हैं। उन्हें विश्वास था कि विक्रमादित्य हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। एक बार सौरमंडल में 9 ग्रह राजा के पास पहुँचे। बोले, हे राजन, हम सब में से कौन सा बड़ा है, हमारा फैसला कर दो। पृथ्वी लोक को सब राजाओं के पास हम इन समस्या को लेकर गए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। विक्रम ने कहा कि तुम सब एक मास के पश्चात आना। विक्रमादित्य ने 9 सिंहासन बनवाए, हीरा, मोती, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम और लोहा। एक मास के पश्चात जब सारे ग्रह उनके पास आए तो विक्रम ने उनको उनके सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। सब ग्रह अपने सिंहासन पर बैठ गए। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन था, अर्थात सबसे अंत में शनि का नंबर था। विक्रमादित्य ने कहा, जिसका सिंहासन सबसे पहले है वह सबसे बड़ा है और जिसका सिंहासन छोटा है वह छोटा है। सब ग्रह खुशी खुशी अपने लोक में चले गए। अंत में शनिदेव रह गए। शनिदेव को बहुत क्रोध आया, उनका अपमान हुआ था, उन्हें छोटा कहा गया था। बोले, हे विक्रम, तूने मुझे छोटा कहा है और ग्रह तो कुछ समय एक राशि पर रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि पर 7 साल रहता हूँ। अब तू देखना कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, याद करके तू भी कांप जाएगा। कुछ समय पश्चात शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए। घोड़े बहुत ही सुंदर थे। विक्रम ने घोड़े खरीद लिए। एक घोड़ा इतना सुंदर था कि विक्रमादित्य उस पर बैठ गए। उनके बैठते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा और जंगल में जाकर विक्रमादित्य को गिरा दिया। तेज धूप, भूख, प्यास, विक्रम परेशान हो गया। उनके पास खाने को कुछ ना था। एक मनुष्य के पास पहुँचे जिसका नाम काम खाना बनाना था। उसने खाने को मांगा। उसने कहा, पहले सारे बर्तन साफ कर दो, फिर तुझे खाने को मिलेगा। विक्रम ने सारे बर्तन साफ कर दिए। जब खाने को बैठे उन्होंने देखा एक खूंटी जिस पर हार टंग रहा है, वह हार को निगल रही है। विक्रमादित्य समझ गए कि यह सब शनि का कोप है। तभी सेठ ने देखा हार गायब है। वह विक्रमादित्य को उज्जैन के राजा के पास ले गया और कहा, महाराज, इसने हमारा हार चुराया है। राजा ने विक्रम के हाथ पैर कटवा कर सड़क पर फेंक दिए। दर्द से व्याकुल होकर और भूखे प्यासे विक्रम परेशान हो गए। एक तेली वहाँ से निकल रहा था, उसे विक्रम पर दया आ गई। उसके घाव पर तेल डालकर वह उसे अपने घर ले गया। कुछ समय बाद राजा ठीक हो गया। वह तेली की गाड़ी चलाने लगा। एक बार राजकुमारी का स्वयंवर था। देश देश के राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे। राजकुमारी एक सुंदर मंच पर बैठी हुई थी। राजा ने एक हथनी को गहने से सजा कर उसकी सूंड में एक बहुत सुंदर हार डाल दिया। वहाँ पर विक्रमादित्य भी तेली के साथ स्वयंवर में गया। हथनी ने चारों तरफ देखा और अंत में विक्रम के गले में हार डाल दिया। राजा ने कहा, दूसरी हथनी को लाया गया, उसने भी राजा के गले में माला डाल दी। राजा ने कहा, तीसरी हथनी को लाया जाए, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिल गया और उसने कहा कि मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगी। राजा को राजकुमारी के आगे झुकना पड़ा। राजकुमारी का विक्रम के साथ विवाह कर दिया। राजा ने बहुत से हाथी, घोड़े और महल विवाह में दिए। यह विवाह
की पहली रात थी, 7:30 ही खत्म हो चुकी थी। शनि का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने सपनों में दर्शन देकर पूछा, मुझे छोटा कहने का अर्थ समझ गया होगा। विक्रमादित्य ने शनि से माफी मांगी, बोले, हे शनिदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप कभी छोटे नहीं हो सकते, मुझे क्षमा कर दो। शनि ने विक्रम के सर पर हाथ रख दिया। राजा के हाथ पैर ठीक हो गए। राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत खुश हुई। जब उसे पता चला कि यह विक्रमादित्य है, उसने अपने पिता के पास खबर भेज दी। राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी पुत्री को विक्रम के पास भेज दिया। विक्रम फिर भी सेठ के पास गया। उनके देखते ही खूटी ने हार उगल दिया। सेठ हैरान हो गया और क्षमा मांगी। विक्रम अपनी रानी सहित गाने बाजे के साथ अपने राज्य में गया। वहाँ राजा को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने उज्जैन में एक विशाल मंदिर बनवाया, जहाँ उसकी सारी प्रजा गई। बहुत विशाल भंडारा लगाया गया, खुशियाँ बनाई गई। राजा ने कहा, शनि देव एक महाबलशाली देव हैं, उन्हें कोई छोटा नहीं कहेगा। और शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसी परीक्षा मेरी ली है, ऐसी ही किसी की मत लेना। शनि ने कहा, ठीक है, मैं कभी किसी की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।